दोस्तों नमस्कार, एनवर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पूरी दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा में जीवन खोजने में लगे हैं। इसी कड़ी में नासा ने अपना जूनो स्पेस क्राफ्ट भेजा, जिससे लगातार नासा को डेटा मिल रहा है। वहीं नासा इस डेटा के आधार पर एक बड़ा खुलासा करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि चंद्रमा यूरोपा को लेकर नासा के पास बड़ी जानकारी है। इसी डेटा के आधार पर यूरोपा पर जीवन की संभावनाएं काफी कम है। वहीं इस उपग्रह पर ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि इसकी सतह के नीचे पानी की मौजूदगी का खुलासा भी नासा का जूनो मिशन करता है। दोस्तों आपको बता दें, बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक यूरोपा को लेकर नासा काफी उत्साहित है। यही वजह है कि नासा के वैज्ञानिक यह उम्मीद जता रहे हैं कि नासा यूरोपा ग्रह पर पानी की खोज कर पाने में सक्षम हो सकता है। लेकिन हालिया डेटा इस बात की ओर इशारा करता है कि यूरोपा में जीवन को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद है, यानी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है। बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करने वाले नासा के जूनो अंतरिक्षयान ने हालिया आंकड़ों से इस बात का खुलासा किया है। इस पूरे रिसर्च को साइंस जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी प्रकाशित किया गया है। यह खोज सितंबर 2022 में बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए जूनो अंतरिक्षयान के डेटा का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया है। इस पूरे रिसर्च में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की टीम लगी हुई थी, जिसमें चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन छोड़ती हुई इसके साथ प्रति सेकंड करीब 18 किलोग्राम ऑक्सीजन वहां पे पैदा होती है। ये पूरे डेटा को एक कंप्यूटर मॉडल सिमुलेशन के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसी को लेकर के फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खगोल विज्ञानी भी इसी रिसर्च में लगे हुए हैं। उन्होंने हाल में ऑक्सीजन के अनुमान को लेकर कई सारे मॉडल दुनिया के सामने प्रस्तुत किए हैं। वहीं वैज्ञानिकों को इस बात का भी इजाद किया है कि यूरोपा की सतह के नीचे पानी का बड़ा स्रोत दबा हुआ हो सकता है, यानी यह पानी सतह के उपयोग में अभी तो नहीं आता, लेकिन अगर सूर्य की किरण पड़ती है तो हो सकता है यह पानी सतह में आ जाए और भविष्य में यूरोपा उपग्रह पर जीवन की उपस्थिति भी दर्ज कराई जा सके। नमस्कार।